नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड नेशन का लाइव ब्रॉडकास्ट। यहाँ पर हम आपको जो नज़ारा दिखाने वाले हैं वो नज़ारा देखने लायक होगा, क्योंकि 9 बज चुके हैं, 9 बजने में कुछ ही मिनट जो हैं बाकी हैं, और पठानकोट शहर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कैसे दिए जलाएगा, कैसे मोबाइल की टॉर्च जलाएगा, हम यहाँ पर ढांगू क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पर हम आपको लाइव जो है नज़ारा दिखाएंगे। हालाँकि हल्की सी बूंदाबांदी जो है वो जारी है, लेकिन लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लोग जो है वो छतों पर चढ़ चुके हैं। और ये लाइव नज़ारा अगर आप अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हैं पठानकोट शहर का, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर आपको शायद ही आपका पठानकोट जो है वो देखने को मिले, इसलिए स्पीड नेशन आपको लाइव जो नज़ारा आप दिखाएगा वो नज़ारा है। आप देखिए किस तरह से लोग जो है वो छतों पर आ चुके हैं, घरों की लाइटें लोगों ने बंद कर ली हैं, 9 लगभग जो है बज चुके हैं। यहाँ हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव आप देख सकते हैं किस तरह से लोग दिए मोमबत्ती जला रहे हैं। हालांकि बारिश जो है, हल्की बूंदाबांदी जो है वो पिछले कुछ आधे घंटे से जारी है। सोचा तो यही था कि लोग जो है बारिश की वजह से नहीं जलाएंगे दिए, लेकिन लोगों में उत्साह जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। इसी दौरान जो है लोग जो हैं घरों में हैं, घरों से बाहर कोई नहीं है, सिर्फ अपने घर की छत पर जो है लोग खड़े हैं, लाइट जो है बंद करके टॉर्च जलाकर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जो है सहयोग इस लॉकडाउन का कर रहा है, और कोई दिया जलाकर। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि लाइव तस्वीरें आपको दिखाई थी मोहल्ला गरथोली की और अलग अलग क्षेत्रों की, जहां पर दिए जो है लोग खरीद रहे हैं। यहां पर आप नज़ारा देख सकते हैं, ढांगू क्षेत्र का ये नज़ारा है, जहां पर लोग जो हैं लाइटें घर की बंद करने के बाद जो है छतों पर चढ़ चुके हैं, और छतों पर चढ़ने के बाद लोग देखिए किस तरह से मोमबत्तियां हाथ में लिए खड़े हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, हर कोई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रात 9 बजे 9 मिनट के लिए ये नज़ारा जो है आपको दिखाने के लिए ना सिर्फ हम यहाँ पर पहुँचे हैं, बल्कि ये लोग जो हैं ये भी आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद ये लोग 9 मिनट के लिए दिया जलाने के लिए अपने घरों की छतों पर आ चुके हैं। अलग अलग जगहों पर चारों तरफ जो है अगर आप नज़र घुमाएं, मैं चाहूँगा कि हम कैमरा घुमाकर आपको अच्छे से दिखाएं कि किस तरह से लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद जो है अभिवादन कर रहे हैं, इस अपील का स्वागत कर रहे हैं, इस अपील का सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, लाइव हम आपको दिखा रहे हैं पठानकोट के लोग किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील थी दिया जलाने की, मोमबत्ती जलाने की और मोबाइल की टॉर्च जलाने की, उसकी तस्वीरें हम आपको लाइव हमारे फेसबुक पेज पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, ढांगू क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं। देखने में यह नज़ारा दिवाली के त्यौहार से कम नहीं है, ये त्यौहार नहीं है लेकिन ये लड़ाई है जो पूरा देश जो है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व और पूरी मानवता एकजुट होकर जो है इस लड़ाई में डटी हुई है, ताकि कोरोना जैसी महामारी को मात दी जा सके। यहाँ पर आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने घरों पर खड़े हैं और दिखा रहे हैं कि हम जो है सरकार के साथ हैं, हम जो है प्रशासन के साथ हैं, ताकि ये कोरोना बीमारी जो है हमारे देश भर में फैल रही है इसको रोका जा सके। लोग एक तरह से लॉकडाउन है अपने घर में, और अगले जो काफ़ी दिनों तक ये लॉकडाउन जारी रहने वाला है, 21 दिन का जो लॉकडाउन की अपील की थी हमने, इससे पहले आपको लाइव काफ़ी तस्वीरें दूसरी भी दिखाई थी जिसमें प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो है जनता कर्फ्यू का लोगों ने समर्थन किया था, सहयोग किया था। और इसके बाद जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें ढांगू क्षेत्र की हैं। हल्की बूंदाबांदी जारी है, हमारे हाथ में आप छाता देखकर ये ज़रूर समझ गए होंगे कि हल्की बूंदाबांदी लगी हुई है, लेकिन लोगों का मनोबल जो है वो नहीं गिरा। इन हल्की बूंदाबांदी से भी लोगों के मनोबल में गिरावट नहीं आई है। नज़ारा एक और भी है, आतिशबाजी की भी आवाज़ जो है वो देखने को मिल रही है, बादलों की गरज भी आप देख सकते हैं, जैसे मानो बादल भी जो है इस अपील में सहयोग कर रहे हों, बादल भी गरज रहे हैं, आसमान में बिजली भी चमक रही है, आतिशबाजी भी आप देख सकते हैं किस तरह से आतिशबाजी भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनका कर रहे हैं ताकि कोरोना से जो लड़ाई चल रही है इस लड़ाई में लोग जीत सकें, पूरा देश जीत सके, पूरा विश्व जो है जीत सके, पूरी मानवता जो है वो जीत सके, कोरोना पर जीत हासिल की जा सके और कोरोना को देश से ही नहीं बल्कि दुनिया से बाहर निकाल दिया जाए। आतिशबाजी भी आप देख सकते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतिशबाजी का कोई वो अपील नहीं की थी, लेकिन लोग जो हैं उत्साहित हैं, खासे उत्साहित जो हैं लोग दिखाई दे रहे हैं, और लोग मोमबत्तियाँ जलाकर, दिए जलाकर और
की आवाज भी, लोग शोर भी जो है वो कर रहे हैं, उत्साह लोगों में काफी देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ युवा बल्कि बुजुर्ग और हर वर्ग जो है इस अपील में साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ढांगू क्षेत्र की, शहर भर में, यहाँ पर ना सिर्फ ढांगू क्षेत्र बल्कि आप अगर इस ऊंचाई पर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से हम चारों तरफ अगर नजर घुमाएं तो तकरीबन सारा शहर ही आपको दिखाई देगा। दूर दूर से जो है आतिशबाजी हो रही है, दूर दूर से आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें। भारत माता की जय के जो जयकारे भी लोग लगा रहे हैं, देशभक्ति जो है अपनी दिखा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इस लॉकडाउन के दौरान, जैसे एक तरह से जश्न मनाने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आसमान में गरजती हुई ये बिजली भी ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के साथ जो है सहयोग कर रही है, प्रकृति भी जो है मिल गई है इन लोगों के साथ, और नज़ारा ये देखता ही बन रहा है। हवाई गुब्बारे जो लोग छोड़ रहे हैं जिसमें जो है आग जलती है, और ये गुब्बारे आसमान में उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। नज़ारा आप देखिए, हम आपको नज़ारा जो है लाइव दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे आप अपने सगे संबंधियों से शेयर करें, अगर आप भी अपने इस प्यारे शहर पठानकोट को पसंद करते हैं और दूसरों को दिखाना चाहते हैं, दुनिया को आप दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से पठानकोट ने भी ठीक उसी तरह या पूरे देश ने जिस अपील का समर्थन किया है। यह नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग जो है थालियाँ भी जो है बजा रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं नज़ारा मोबाइल की टॉर्च। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्टेडियम में या कोई कंसर्ट हॉल में जो है बड़ा कोई समागम चल रहा हो और लाइटें जो है बंद हों और लोग जो है समर्थन करने के लिए अपने मोबाइल की टॉर्च जला रहे हों। आंधी थोड़ी चल रही है, हवा चल रही है, जिस वजह से दिए भी बुझ भी रहे हैं, लेकिन इन लोगों का जो है जो मनोबल है वो नहीं गिर रहा। आप देख रहे हैं ज़्यादातर लोग जो है मोबाइल टॉर्च और दूसरी टॉर्च हैंड हेल्ड टॉर्च जो है उठाकर दिखा रहे हैं। आप देखिए ये नज़ारा, 9 मिनट तक ये जो नज़ारा वो चलेगा, लेकिन लोगों का मनोबल देखने के बाद लग रहा है कि ये 9 मिनट के बाद भी ये नज़ारा रुकने वाला नहीं है और लोग इसी तरह से समर्थन करते रहेंगे। जिस तरह से थालियां और तालियां बजाकर लोगों ने समर्थन किया था जनता कर्फ्यू का, लॉकडाउन का भी लोग समर्थन कर रहे हैं। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि इस दिया और बाती जलाने के बाद लोग जो है ऐसे ही लॉकडाउन का भी समर्थन करें, ताकि लॉकडाउन में घर रहें, लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और लॉकडाउन में समर्थन करते हुए कोरोना से ये जो लड़ाई चल रही है इसमें जीत हासिल करें। इसमें जीतने के लिए, कोरोना पर जीत हासिल करने के लिए कोई एक या दो व्यक्ति की ज़रूरत नहीं बल्कि पूरे देश की ज़रूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील जो है वो कारगर दिखती है यहाँ पर, कि पूरा देश एकजुट है, लोग जो हैं वो सरकार के साथ हैं, ऐसा कुछ नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग जो है वो क्रिटिसाइज भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अपील को और लोगों के इस सहयोग को लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन राजनीति से थोड़ा हटकर अगर इन लोगों का मनोबल देखें, उत्साह देखें, तो ये अलग ही नज़ारा जो है यहाँ पर बन रहा है। पठानकोट शहर जो है इस समय, सारा शहर जो है अपने घरों की छतों पर मौजूद है और लोगों को नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये नज़ारा जो संभावना है कि 3 मिनट तक ये नज़ारा और चलेगा, क्योंकि 9 मिनट अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन देखना यह होगा कि 9 मिनट के बाद, जब 9 मिनट ख़त्म हो जाएंगे, क्या उसके बाद भी लोग ऐसे ही जो है डटे रहेंगे। आंधी जो है, तेज़ आंधी आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रही है, लेकिन लोगों का मनोबल बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। लोग छतों पर खड़े हैं, शोर शराबा भी आप सुन सकते हैं किस तरह से लोग समर्थन कर रहे हैं। कोई थाली बजा रहा है तो कोई ताली बजा रहा है, और कोई टॉर्च हाथ में लिए हुए अपना हाथ हिला रहा है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पठानकोट शहर का ये नज़ारा है। अलग अलग मोहल्लों की तस्वीर भी ऐसी ही होगी, यहाँ से तकरीबन जो है सारा शहर ही दिखाई दे रहा है। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ पर ही बन रहा है ये नज़ारा। आप देख सकते हैं चाहे युवा हों चाहे बच्चे हों, हर कोई छत पर खड़ा है। संभावना ये जताई जा रही थी कि मौसम था और आंधी भी चल रही है और तूफान भी चलना शुरू, बादल गरज रहे हैं, और इसी दौरान जो है
लोगों का मनोबल नहीं गिर रहा है। भारत माता की जय के जो नारे लगाए जा रहे हैं, बच्चे पर कोई इस अपील में जो है शामिल है, इस अभियान में शामिल है। एक तरह से अभियान जो है चल रहा है पठानकोट में। आप देख सकते हैं ये लाइव नजारा हम आपको जो है दिखा रहे हैं शहर का। ये लाइव नजारा आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलेगा। टीवी स्क्रीन पर जाहिर सी बात है कि वो बड़े शहरों का, महानगरों का जो नज़ारा दिख रहा होगा, लेकिन पठानकोट का नज़ारा अगर आप भी देखना चाहते हैं और दूसरों से शेयर भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये लाइव नज़ारा लोग दिखा रहे हैं। सिर्फ एक मिनट बाकी है ये जो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 मिनट की जो अपील थी उसको ख़त्म होने में सिर्फ एक मिनट ही बाकी है, लेकिन उत्साह जिस तरह से लोगों में दिख रहा है लगता नहीं है कि 9 मिनट के बाद भी ये लोग यहाँ पर रुकेंगे और छतों से नीचे चले जाएंगे। लेकिन नज़ारा ऐसे ही चलता रहेगा, हम आपको लाइव देते रहेंगे। तूफान काफ़ी तेज़ चल रहा है, दिए बुझ रहे हैं लेकिन मनोबल नहीं गिर रहा लोगों का, डटे हुए हैं। आप सकते हैं कोई ताली बजा रहा है, कोई की जय के नारे जो है लगा रहा है और देश की एकजुटता को दिखा रहा है। यहाँ पर देश की एकजुटता आपको देखने को मिलेगी। लाइव हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पर नारे लगाते हुए दिख रहे हैं, कुछ युवा भी हैं, हम इनसे बातचीत भी करेंगे। आप नज़ारा पहले देखिए, हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर हम इनसे जानते हैं, जी सर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो अपील की है, पठानकोट के लोग कैसे इसमें शामिल हुए हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं लॉकडाउन में, और आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं, देश को एकजुट कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं इस नज़ारे को? माता की, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा एक सुझाव दिया हमें, हमारे जागरूक करने के लिए। हम लोग जितने भी हमारे पठानकोट के हैं वो कैंडल लाइट लेकर, मोबाइल की टॉर्च लेकर अपनी अपनी छत पर अस्तबाजी कर रहे हैं, और बहुत ही लोगों के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर वार्ड नंबर 30 में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। हम बहुत ही ज़्यादा अपने मोहल्ले की एकता देख रहे हैं कि ये कोरोना वायरस को भगाने के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारा मोहल्ला पूरा एकजुट है जी, और हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बिल्कुल एकजुट होकर लड़ेंगे जी। यहाँ पर आप उत्साह देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं किस तरह से युवा जो है उत्साहित हैं, बच्चे भी उत्साहित हैं, हर वर्ग जो है उत्साहित है। और 9 मिनट वो ख़त्म हो चुके हैं जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि इस 9 मिनट के दौरान दिया या फिर मोमबत्ती या मोबाइल टॉर्च जगाकर जो है वो गाइस कोरोना से लड़ने के लिए एकजुटता दिखाएं कि भारतवासी जो है वो एकजुट हैं और एकजुट होकर ही लड़ेंगे। अब जो है 9 मिनट वो ख़त्म हो चुके हैं, धीरे धीरे लोगों का ये जो नज़ारा है वो भी घट रहा है, लोग जो है घरों में जा रहे हैं वापस। लेकिन ये नज़ारा आप देख सकते हैं, आतिशबाजी नहीं रुक रही, आतिशबाजी अभी भी जारी है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिजली भी गरज रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको दिखाई भी देगा साफ तौर पर कि बिजली गरज रही है, मानो प्रकृति भी जो है वो जुट गई है इस अभियान में। वो भी एकजुटता जो है लोगों के साथ दिखा रही है कि सिर्फ भारतवासी ही नहीं बल्कि प्रकृति भी जुटी हुई है। लोगों को ये अपील कर रही है कि लॉकडाउन करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस हमने आपको दिखाया, ये पठानकोट शहर है, यहाँ के लोग एकजुट हैं, दिख रहे हैं, आपको तस्वीर भी दिखी। दूर तक अगर आप देखेंगे, दूर तक जो है आपको आतिशबाजी दिखाई देगी, आपको आवाज़ें भी सुनाई देंगी, किस तरह से समर्थन कर रहे हैं हम आपको दिखाएंगे। आंधी काफ़ी तेज है, तूफान काफ़ी तेज चल रहा है, हम आपको लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। लोग जो हैं वो घरों की छतों से कम हो रहे हैं, और लेकिन उत्साह जो है लोगों में वो कम नहीं हुआ है, काफ़ी आंधी जो है तेज़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं लाइव नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसी एकजुटता जो है लोग दिखाते रहें। कोरोना वायरस से जुड़ी जो अपील जो सरकार ने की है कि कोरोना वायरस को अगर हराना है लॉकडाउन करें, खुद को लॉकडाउन का आप भी समर्थन करें, क्योंकि ये किसी सरकार के लिए नहीं या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ये जो है हिदायत नहीं है, ये मानवता के लिए हिदायत है। हम सभी को अगर अपनी जान बचानी है तो लॉकडाउन करना होगा, इस लॉकडाउन का समर्थन करें, घरों से बाहर ना निकलें ताकि कोरोना पर जीत, मानवता, ये देश, ये शहर हासिल कर सके। देखते रहें स्पीड नेशन, हम आपको लाइव जो है कर्फ्यू के अपडेट, कोरोना से जुड़ा हर अपडेट आपको दिखा रहे हैं, लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा Facebook पेज लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इस तस्वीर को, ताकि मनोबल जो लोग इस
अभियान में शामिल नहीं हुए उनका भी मनोबल ऊपर उठे, उनके साथ शेयर करें इस तस्वीर को। देखते रहें स्पीड नेशन। धन्यवाद।